दुकान चलाते थे और अब लगभग 3 महीने काम करते हुए और लगभग 12-13 हजार 12-13 हजार रुपए कमाया है। बताने में शर्म लग रही है, लॉकडाउन में 12-13 हजार कमाया, बहुत बढ़िया। हमारा नाम गजेंद्र सिंह पाल है और हम लगभग 2 माह से काम कर रहे हैं। वैसे जैसे आप बुलाए कुछ कहता है कि हम अभी नहीं है, लेकिन हमारे सबने कहा हम आ गए। लेकिन कितना जो भी कमाया हो बताइए। इसी सप्ताह में हमारी 3 सीट चेक हो जाएगी तो दोनों मिलाकर के 10 हजार का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट बोला जाता था 20% लोन लेस करके, जब हम उसको मिला देते हैं तो हम 10 हजार क्रॉस कर देते हैं। और एक चीज और बताना है, आपने जो भी प्रोडक्ट्स लोगों को दिए उसका जो भी रिजल्ट आया है आप उसको भी बताइए। आपने लोगों को प्रोडक्ट दिया अगर उसका रिजल्ट मिला तो आप बताइए। हमारा इसमें आने का कारण सबसे पहले ये हुआ, हमारे चाचा को अटैक पड़ा था, उनके पास धन नहीं था तो उन्होंने उनको जो है ऑपरेशन नहीं करवाया और अपने प्रोडक्ट से उनको जो है 3 महीने में ठीक कर दिया है। आज 4 महीने चल रहा है, दवा बंद सही हो चुके बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। उसी समय में हमारे पास आया, मैंने बुलाया नहीं था, खुद बताया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे नहीं बताया। उनके भाई साहब कितने दिन से इलाज कर दी बताओ आप सही जाएंगे? एक साल। तो उनको भी इलाज दिया गया, मात्र 1 महीना हुआ है, वो अब सब जगह घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और ये बहुत अगले महीने की उनकी दवा जो है परसों ने दी थी तो पूरी नहीं हो पाई थी, आज इसको लेकर के जाएंगे वो मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम सिंह उसके बाद काम किया, आप इनकम की इतनी ज्यादा देखते हैं और मनाली चिकन पूछते हैं।
बहुत बढ़िया। आजा मुकेश जी, 10 मिनट ज्यादा देंगे सबको। आजा प्लीज, आ जाओ। चलिए नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम है सौरभ सिंह खचान, आपके नियर अबाउट गाँव से हूँ। और इससे पहले अगर मेरे बारे में जानना चाहें तो मैं आपके मोती हवाई अड्डे में ग्रेजुएशन होने के बाद मेरी तरह से जॉब लग गई थी एज मेंटेनेंस में, पहले एयरफोर्स में था, इसके बाद वो बंद हुई तो इंडिगो एयरलाइंस पे गया। 9 साल मैंने एयरपोर्ट की सेवा भी की है, बट कहीं ना कहीं से माइंड में ये था कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जब मैं 50 साल तब से हमारे जो है पापा हैं उनका इंटर कॉलेज चलता है लाटमपुर में, मदर इंडिया इंटर कॉलेज, अगर कोई भी गया हो बहुत आराम से जान सकते हैं, 2 शाखाएं हैं। तो माइंड में हमेशा क्या था, एक बिजनेस जॉब तो मैंने शुरुआत में किया था, क्योंकि एक शौक होता है, कभी भी देखा होगा बचपन से या आज तक जो भी है कि कोई भी जहाज करता है शौक बहुत करेगा, क्योंकि शौक है नहीं उसके अंदर देखना, बहुत अच्छी थी फैसिलिटीज थी। लेकिन कुछ रीजन थे कि जिसकी वजह से मैं वहाँ पर छोड़ा, क्योंकि सोच, सिर्फ सोच, तो सबने भी बताया था कि जब तक सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। तो उसी सोच के चलते हुए मैंने उसको फिट किया, उस समय बैठा काफ़ी सर्च किया कि क्या करें क्या ना करें। सर्च करते करते एक और इससे पहले कंपनी मिली, उसमें भी हमने 1 साल का समय दिया, बट जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली, कहीं ना कहीं से हमारा स्पे गलत था, ये नहीं आया। फिर इसके बाद अचानक से हुआ क्या कि मैं खुद बीमार हुआ, लीवर का मैं पेशेंट हुआ, क्योंकि जहाँ जॉब करता था वहाँ फास्ट फूड ही ज़्यादा चलता था, एयरलाइंस में आपको खाना बहुत कम मिलता है, फास्ट फूड ज़्यादा मिलता है। उसी को मैं लीवर का पेशेंट हुआ, किसी और के माध्यम से मैंने वो लिए, मैंने अपनी आईडी नहीं लगाई, उनसे प्रोडक्ट लिया और 1 महीने भी मुझे फर्क नहीं आया है। जहाँ से मैं आपका जो लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से भी मैं इलाज करा रहा था, वो सर्जन बाहर से आए हुए, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, तो चीज़ें आपको हमेशा क्लियर करनी चाहिए। जैसे कि दूध की बात अगर करें तो मेरा फेवरेट, तो उन्होंने कहा कि दूध के जो भी प्रोडक्ट थे सारे बंद। मैंने कहा कब तक, बोले जब तक ठीक नहीं हो, सर फिर भी कोई समय, बोले 1 साल टैबलेट खाइए देखिए, अगर एक बार देखिए अगर नहीं होता है तो फिर बंद कर सकते। मैंने 2 साल नहीं खाया, चीज क्या वैसे भी पैसे, तो काफ़ी जगह इलाज कराया, लेकिन जब यहाँ का मैंने प्रोडक्ट लिया एक हुआ, इस बार मुझे लगा कहीं ना कहीं से हम चीज़ को जाने और समझा, तो अपने MD सर का SP सुना, उनका एक ही नारा था कि हम समाज सेवा कर, यानी हमने अभी तक देश सेवा की है और हम समाज सेवा कर रहे हैं। हमने कहा इसके अच्छा और मौका दिया, एक तो पहचान भी बनती है, एयरलाइंस में थे क्या था घर घर से ही कोई जानता था, तो अगर कोई पहुंचा यहाँ का सर्जन का तो हेल्प कर दिया, इससे ज़्यादा कोई नहीं। आज क्या है, और जहाँ भी देखिएगा तो शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो अपने UP में जहाँ लोग मुझे न जानते, कोई भी क्षेत्र हो हर जगह पर। अभी तक मेरा कंपनी का जैसा लेवल बताया गया था, जैसे सोच आती है सबकी कि लोग कैसे आए, मेरे पास भी था, मैं कभी बाहर नहीं निकला था, तो मेरे साथ दिखती एक रहती थी कि कैसे दो आएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोगों से बातचीत की, बातचीत करने के बाद आज मेरा कंपनी का 4th लेवल चल रहा है, यानी 3 लेवल मेरे क्रॉस हो चुके हैं और 4th मैं फिर तक कर चुका हूँ, उसमें भी आधा मेरा क्रॉस हो गया है, और बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना लगेगा वो भी क्रॉस हो जाएगा। अभी तक जो हमारी इनकम आई है वो 33,000 की है। बहुत बढ़िया। नमस्कार साथियों, आवाज महसूस होगी कोई लोग बैठे हैं सामने। नमस्कार साथियों। नमस्कार। अच्छा पहले हम अपना बैकग्राउंड बताना चाहें थोड़ा सा। सर 2015 में हमने स्किल डेवलपमेंट ज्वाइन किया था छतरपुर से, और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में कई सारे पोस्ट मतलब प्रमोशन होता चला गया, लास्ट पे स्टेट हेड के तौर पे, और आज 4 स्टेट में गए। अच्छा कभी भी कहते हैं ना कि खोकर लगना भी जरूरी होता है संभलने के लिए, वही कुछ हमारे साथ भी हुआ। इसी जनवरी 2021 में टाटा सर ने एक बार आवाज दी थी, मुकेश जी आज एक चीज हम आपको बता रहे हैं, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, थोड़ा सा आगे मिलकर काम करते हैं। अच्छी खासी सैलरी थी तो हमने इग्नोर कर दिया, जैसी बात आपके सबके सामने हेडे वाले को बात नहीं हुई, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, क्योंकि महीने में 2 दिन की छुट्टी भी आते थे, और उसी बीच बात हुई थोड़ी, इस बात की जिम्मेदारी बाकी सबसे उसको इग्नोर कर दिया उस चीज को। फिर क्या हुआ, कोरोना टाइम आ गया, मार्च क्या हुआ कि आप थोड़ा बेड रेस्ट कीजिए, यानी घर पे आराम कीजिए, जब सेंटर बंद चल रहे हैं, इसके जरूरत सेंटर चलते हमारे
घर पे आ जाइए। जब आप खाली होते हैं तो आपका दिमाग सब तरफ घूमता है, अब क्या किया जाए उस टाइम पर। दूसरा, आय के स्रोत भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लगते हैं, जिम्मेदारियां पूरी रहती हैं। फिर दोबारा से टाटा सर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये कर लीजिए। फिर हमने बैठ कर पूरा प्लान समझा, पहली बार जब मैं बात की थी ना प्लान देखा था ना कुछ, क्योंकि समय की कुछ कभी मान ली थी आप बैड लक बनेगा। हम सीधा अपना दो भाग मानेंगे उस टाइम पर कि जनवरी में हमने पूरी प्लान नहीं देखा और अप्रैल का रिकॉर्ड देखा, एक मई से हमने काम चालू किया। और काम चालू करने पर और काम आगे बढ़ने पर सब तो एक चीज़ ये हुई कि हमने अपना एक प्रोडक्ट भेजा था, एक मेरी कलीग थी मध्य प्रदेश में, उनके पिताजी को, पिताजी को प्रॉब्लम ये थी कि 12 साल के लगभग होते हो गए थे, उनके मुँह के छाले नहीं खत्म होते। मतलब कुछ काम हुए फिर बढ़ गए, एक वो प्रॉब्लम। दूसरी, साइकिल की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो 50 मीटर या 100 मीटर भी चल जाते थे तो ये मान ली कि उनको 3-4 घंटे आराम के लिए चाहिए, सांस फूलना वो अलग बात है। तो हमने ऐसे ट्राई कर रहे हैं बेसिस पे उनको दे दिया, जब क्या एक काम करो ये प्रोडक्ट है अब यूज करो। मात्र 20 दिन में उनको वो रिजल्ट मिला जो उनको 12 साल के इलाज कराने से मिला, मतलब पूरी तरह से ठीक। उनकी हमने फोटो वगैरह मंगाई थे पहले भी, उनकी छाले की, उनकी हेल्थ थी बहुत बड़ा, देख अंदर से उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। फिर उन्होंने जो कॉल पे बताया, वैसे हम जानते थे पहले से भी, फिर उनका डॉक्टर साहब कैसे हो, मतलब एक अजीब सा रोमांच अंदर आ जाता है कि आप कर कुछ कह रहे और रहे होते हो। पहले बोलते थे मैम साहब कैसे हो या सर जी कैसे हो, जैसे आपका प्रोफाइल होता है नाम वैसे ही लुटता चला जाता है। फिर जब बोले डॉक्टर साहब कैसे हो, चाचा जी आज कैसे ना, कहते हैं जो 12 साल में कोई नहीं ठीक कर पाया तो तुमने 20 दिन में ठीक कर दिया, तुमसे बड़े डॉक्टर तो तुम हो गए। बिल्कुल सही, आपके अंदर वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो चीज सुनकर जब लोग इस टाइप की बात बोलते हैं। अच्छा, फिर वो चीज हुआ, दूसरी 2-3 लोगों को और भी दिया, उसी क्रम में हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इनको भी प्रोडक्ट दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आपका उत्साह बढ़ता चला जाता है और मात्र 2 महीने ही हुए लगभग, अचीवमेंट के तौर पर बताए मेरी 97 लोगों की टीम हो चुकी है, और जो अचीवमेंट अमाउंट के हिसाब से जाए तो 28,000 रुपए आ चुका है और बहुत जल्दी 3rd लेवल कम्प्लीट होने वाला है, उम्मीद है। अच्छा, स्टार्टिंग में वहां पर उनको भी हमने इंकरेज किया काम करने के लिए, हमने कहा देखिए आप ठीक हुए हो बता तो सकते हैं लोगों को ना, आम लोग नहीं जोड़ते हैं, जिससे कह दो जोड़ने वाला काम वही कंप्लीट काम है। हमने कहा ये सोच के क्यों कर रहे जोड़ने का काम है, हमने आपको जोड़ने का काम किया क्या, आप ठीक हुए वही आप दूसरे अस्पताल हो, नहीं समझ में आया। हमने कहा एक चीज बताइए आपके बच्चे कितने हैं, पता था मुझे, कहते हैं 4, ये बेहतर दिन देती है, आप फोन लगा पूछ सकते हकीकत ये। हमने कहा शादी कितने की हो गई, कहते हैं 2 की, 2 बेटियों की शादी हो गई, 2 बच्चे। तो हमने कहा एक काम करो, हमारे यहाँ भी 2 ही है, कैसे मतलब, हमने कहा एक का नाम बोनस है एक का नाम इंसेंटिव, ठीक। अब ये सोच के कीजिए कि आपकी एक बेटी का नाम हमने बोनस रख दिया है और एक बेटी का नाम इंसेंटिव रख दिया है, बताइए शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई 2 जगह देखा इना मना हो गया, 4 जगह देखा मना हो गया, हमने कहा शादी करोगे या नहीं करोगे, तब शादी तो करेंगे ही, हमने यही समझ के करोगे। और आज उनका अचीवमेंट मतलब करीब 1.5 महीना हुआ, 12,500 रुपए वो खुद उठा चुके। से कीजिए सफलता 100% है। नमस्कार। नमस्कार। तो गांव के लोग ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं जब तक देखना नहीं करके तब तक नहीं मानते। मुकेश जी को हमने जो चार बात आप किया फिर हमें जब आराम दिला और पूरी तरह स्वस्थ हो गए, हमें लगा इनमें काम करना चाहिए। इसके पहले हम भी इसकी लिया में काम करते थे। अच्छा, हमारा पता बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। मैं डॉक्टर आर्य सचान और निवास को यही बता दें, हाँ मुझे बता दी, गाँव हमारा गुड़गांव है जहाँ के आप रहने वाले हैं, गाँव में जितने लोग ये जानते हैं उतने हम जानते हैं, लेकिन
अब यहाँ पर हमें अभी कितने अभी काम किया है ये कंक्लूजन नहीं है, ये तो जब हमारे गांव पे आएगा हमें पता चलेगा सही मालूम होगा। लेकिन ये है कि लगभग 2280 काम हो चुका है, अब कितना है ये मुझे नहीं पता है। बहुत बढ़िया, सर के बारे में बाद में बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी सर रिसेंटली अभी ज्वाइनिंग की है, ज्यादा दिन नहीं हुआ सर का बिजनेस के बारे में। अभी पूरा पूर्णता मोबाइल पर जो देखा जाता है, गूगल पर जो सर्च करके आईडी को ओपन करके देखा जाता है, वो थोड़ा सा नॉलेज उतना ज्यादा नहीं। बाकी सर का इनकम हो मैडम का भी हो, मैडम आप भी थोड़ा सा बताइए। जो डॉक्टर साहब ने बोला वही है, तो क्या पूर्णता आपको भी भरोसा है ना प्रोडक्ट पे? चलिए बहुत बढ़िया, तो मैडम आप बैठ जाइए। साथियों नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम रांची सिंह यादव है और हम डेहरापुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। आज के कुछ समय पहले मेरा पर्पज था कि हमें टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है। पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कुछ समय तो फुल टाइम कर रहे थे। उसी बीच में ऊपर वाले ने सर को भेजा, मैडम जी और सर साथ में आए, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि अगर इस रास्ते पे आप चलते हैं तो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो साथियों बताने में देर नहीं लगी, जैसे बता रहे हैं तुरंत निर्णय भी लिया और काम करना स्टार्ट किया, और ढेर सारे आज रिजल्ट भी है अपने पास। एलर्जी के रिजल्ट हैं, कुलंकवाद के रिजल्ट हैं, लीवर के रिजल्ट हैं। एक मिनट, एक नई बीमारी का नाम हमने अभी सुना है, कुलंकवाद जी। एक मिनट सर, ये जो ये सुबह नाम पे जो बता रहे हैं, कुलंकवाद रहता है जो कमर से होकर के पैर का दर्द हो अपना कीड़े जो माइंड में कीड़े हो जाते हैं, बहुत लोगों को भ्रम रहता है। डॉक्टर लोग ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों के निकलते हैं, वो निकालने वाले काफी काफी कीड़े निकाल देते हैं। लेकिन हमने ऐसा आज तक ना पढ़ा है, देखा तो बहुत लोगों का है जो वो निकालते हैं तब देखा, लेकिन हमने दिया एक पेशेंट को, आज करीब 20 दिन हुए, बढ़िया रिजल्ट है, पूर्ण रूप से नींद आ रही है और कोई कीड़ा नहीं है। उनसे मिलना भी दोबारा और वीडियो भी बनाएंगे, और आज सुबह भी एक वीडियो बनाया, अभी डाला नहीं है, डालेंगे। आज सुबह हमने करीब 9 बजे एक वीडियो बनाया जिसमें लीवर की समस्या थी और किडनी की समस्या थी। करीब 20 दिन दवा चली, पूर्ण रूप से आराम है। अकबरपुर में उनका अल्ट्रासाउंड कराया था, डॉक्टर ने बोला बहुत जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो बहुत थोड़े दिन के मेहमान लेडीज की, इतना पैसा उनके पास था नहीं। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब दवा देते हैं, तो हमें जानकारी मिली, वो आई हमारे पास, हमने उनको दवा दी, आज 20 दिन में पूर्ण रूप से ठीक है। साथियों विश्वास बढ़ता चला गया और बहुत थोड़ा समय हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ। जहाँ प्रैक्टिस 10 साल से कर रहे थे वहाँ को तो समय कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन यहाँ समय बताया जाता है, करीब 7 से 8 महीने होने वाले हैं। और यहाँ से जो हमने इनकम ली है वो पार्ट टाइम में काम करते हुए सर के आशीर्वाद से इनकम लिया है 1 लाख प्लस। साथियों नमस्कार, देवन प्रकाश राजपूत औरैया से मैं बात शुरू करूँगा। बी एड करने के बाद में आपके कानपुर यूनिवर्सिटी से हमने MEd किया कैंपस में रह करके, फिर अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा, ग्वालियर पढ़ाया, भोपाल पढ़ाया। उसके बाद में फिर से हम कैंपस में MPhil करने आए यूनिवर्सिटी कैंपस से ही, और थोड़ा सा क्लासेस शुरू नहीं की तो आपके प्रेमा कटिया जो यहाँ के शिक्षण संस्थान है यहाँ भी हमने बी एड क्लासेस को पढ़ाया कुछ महीनों के लिए। उसके बाद में जैसे प्राइमरी में पढ़ाने के लिए योग्यता होती टेट, तो जैसे डिग्री कॉलेज पढ़ाने के लिए नेट चलता है होता है, तो हमारा एजुकेशन से नेट भी है, तब तक हमारी सर्विस भी लग गई, गवर्नमेंट जॉब बेसिक एजुकेशन में हमारा पदार्पण हो गया 2009 में। तो ऐसे करके हमारा 16 साल का लगभग एक्सपीरियंस टीचिंग करते हुए, तब तक हमें गुरु जी आर के दीक्षित जी से मिलना हुआ, गुरु जी विमलेश यादव जी से मिलना हुआ, तो सर लोगों ने हमको इस इंडस्ट्री से अवगत कराया। तो जब अवगत कराया तो बहुत सारी बातें बताई, तो मेरे दिमाग में जो सर ने ग्राफ अभी बताया था आपको इनकम और लाइबिलिटी के ऊपर, ये बिल्कुल मेरे ऊपर सटीक बैठ रहा था कि जहाँ पे इनकम हमारी सीमित थी और लाइबिलिटीज दोगुनी या 3 गुनी होती चली जाती है, ये सबके साथ होता है, वही मेरे साथ था। तो यहाँ पे एक कारण बनता था कि मैं कोई और एक काम करूँ, पहली चीज। दूसरी चीज सर ने हमें ये समझाई कि आप या कोई भी व्यक्ति होता है
कि आप योग्यता और समय को बेच करके यहाँ पे सैलरी मिलती है। और मान के चलो हम डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे थे, नेट हमारा निकल चुका था, अगर हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाने भी लगे तो आज हमें जो 60-70 हजार की सैलरी मिल रही है वो हमारी 1.5 या 2 लाख की महीने में परिवर्तित हो जाएगी। तब भी क्या आप दिल से सोचिए कि क्या लाइबिलिटीज को पूरा कर पाएंगे? तो जब हमने कैलकुलेशन निकाला तो वो पूरा मानक में नहीं उतर पा रहा था। और जहाँ पे यहाँ पे योग्यता और समय बेचते हुए 60 साल की उम्र तक हम यहाँ पे काम करते रहेंगे, कभी भी जिंदगी में हमारे पास ना तो समय होगा एंजॉय करने के लिए, ना तो उतना पैसा होगा। जब इतनी सारी चीजें वो इंडस्ट्री वो जॉब हमें नहीं दे सकती है तो क्यों ना इस इंडस्ट्री में कदम रखा जाए और कुछ किया जाए कि यहाँ पे अगर मैं 5 साल 6 साल 7 साल काम कर लिया तो वो काम मिल सकता, वो चीज मिल सकती है जो आज कोई भी नौकरी नहीं दे सकती है। तो दोस्तों हमने काम करना शुरू किया और बड़े ही गर्व और खुशी के साथ ये कह पा रहा हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से यहाँ पे 1000 लोगों की टीम है और 1 लाख से ज्यादा की यहाँ पे हमने इनकम। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं राजपुर से बिलोंग करता हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो साथियों मैं भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ। 17-18 साल से गल्ला की आदत से चलाता हूँ। तो साथियों बात आती है इस प्रोग्राम को अटेंड करने की तो आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं, आज पहले दिन पहली बार कितने लोग आए हाथ उठाए थोड़ा? पहली बार काफी लोग आए। आज पहली बार जितने लोग आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां होंगी। साथियों इस बिजनेस को मैंने भी आपकी तरह एक दिन बैठ करके ऐसी जानकारी दी थी। पहली बार भाई साहब आए थे वो कुछ बता रहे थे, फिर दूसरे वाले भाई साहब आए वो कुछ बता रहे थे। तो साथियों वारी वारी से स्टेज पे लोग आ रहे थे और जैसे वारी वारी आ रहे थे वारी वारी से मेरे दिमाग से उनकी बातें निकलती जा रही थी। शायद ऐसे ही आपको कुछ होता होगा, आया ना हो रहा नहीं हो रहा? तो साथियों मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा था जिस दिन मैं पहले दिन गया था। तो साथियों लास्ट में जिस सक्सेसफुल पर्सनालिटी को कॉल किया गया, जैसे आज सर को कॉल किया गया लास्ट में, आया ना, तो ऐसे वहां पर भी एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी आई थी। तो उन्होंने क्या बोला था वो भी बात पल्ले नहीं पड़ी थी। तो साथियों एक उन्होंने छोटी सी कहानी बाद में शेयर की थी, उस कहानी ने मेरे जीवन में यू टर्न ला दिया। क्या उस कहानी को शेयर करने का परमिशन है? शेयर करूं? तो साथियों कहानी ऐसी है, क्योंकि बताते हैं अपने पूर्वज बताते हैं कि पहले जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो साथियों तो ऐसे पहले जमाने की बात है तो वहां पर भी एक आकाशवाणी हो रही थी, सिर्फ मानव के लिए नहीं हो रही थी, बंदरों के लिए हो रही थी। किसके लिए? बंदरों के लिए हो रही थी, ऐसा वो कहानी बता रहे थे। तो साथियों उस आकाशवाणी का देवता ऐसे बोल रहा था कि जो बंदर या बंदरिया अमुक समय पे तालाब में छलांग लगाता है तो बंदरिया लगाएगी तो सुंदर सी राजकुमारी बनेगी, और यदि बंदर लगाता है तो सुंदर सा राजकुमार बनेगा, ऐसा आकाशवाणी का देवता बोला था, मैं नहीं बोला। तो साथियों पीपल का वृक्ष था, उसमें बहुत सारे बंदर बंदरियों में भगदड़ मच गई, हलचल मची हुई थी, जैसे हम प्लान में बैठ करके सुन रहे इनकी बातें सुन रहे, तो ऐसे कुछ हो रहा भी नहीं हो रहा, आया ना। तो साथी ऐसे बंदरों में भी हलचल मची हुई थी। तो जैसे जैसे आकाशवाणी का समय नजदीक आता जा रहा था तो बहुत से बंदर ऐसे कह रहे थे कि यदि आकाशवाणी में सत्यता होती तो हम तो रोज तालाब में कूदे, अब तक तो सारे बंदर राजकुमार हो गए होते, ऐसे ऐसे करके थे बात कर रहे थे। लेकिन साथियों जैसे ही अमुक समय आया तो एक बंदरिया ने विश्वास किया और तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही तालाब में छलांग लगाती है तो सुंदर सी राजकुमारी बनके बाहर निकलती है। तालाब के दूसरे छोर पे खड़ा हुआ राजकुमार पूरी घटना को देख रहा था कि अभी बंदरों में हलचल मची हुई थी और एक बंदरिया नीचे कूदी तालाब में, सुंदर सी राजकुमारी
बन के निकली तो उसके मन में ऐसा विचार आया क्यों ना इनसे पूछा जाए कि कारण क्या है, बात क्या है। तो साथियों, राजकुमार ने जैसे ही उस मंदरिया से बनी हुई राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी जी, आप ये बताइए कि बहुत से बंदर अभी भी डाल में है, आप अकेले क्यों कूदे। तो राजकुमारी ने क्या बोला साथियों, सुनना चाहेंगे? तो साथियों, तो राजकुमारी ने सिर्फ इतना ही बोला कि मैंने तो ऐसे सोचा था कि यदि आकाशवाणी का देवता सत्य बोलता होगा तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, और यदि झूठ भी बोलता होगा तो पैदाशी बनरिया थी और बनरिया बनी रहूंगी। तो साथियों, मैंने तो इस बिजनेस में कुछ नहीं समझा था, तो ऐसे ऐसे बता रहे थे भाई साहब, आ रहे थे 2 लाख कमाया, कोई बोल रहा था 7 लाख कमाया, तो मैंने भी सोचा चलो तुक्का मारते हैं। शुरू किया बिजनेस को सर के माध्यम से। तो साथियों, 5वां लेवल पूरा कंप्लीट हो चुका है, 6वां लेवल अगले वीक में होने वाला है, और इनकम यहाँ 2 लाख से ज्यादा की आई है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मिलता है, तो साथियों मुझे तो बहुत खुशी होती है, आप तो बहुत से कम लोग हैं, हजारों हजारों की भीड़ में साथियों अपना नाम बताने का अवसर मिलता है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। रात भर नहीं सोई थी,
अब वो 14-15 हजार एक बार लगवाए तो दो दो बीमारी सही कर दी है, समझ रहे ना। और सबसे बड़ी चीज कि आज की डेट में इनकी अर्निंग 6 लाख से ज्यादा है। मैडम ने वो इनकम बताई है जो नेट अकाउंट में गई है। अब बाई कैश तो 20% आता है, उसको तो बताई नहीं, सबसे बड़ा पैसा तो वही आता है, सबसे बड़ा पैसा तो बाई हैंड कैश आपको मिलता है, वो लाखों में इन्होंने कमाया है, उस इनकम को इन्होंने नहीं बताया। क्या देखिए, सबको स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, हमें भी ऐसे ही लगा था, ठीक है ना। मैं भी स्कूल चलाता था, उस समय जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हमारे स्कूल में एक टीचर थे, थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक करते थे, खराब लगता था, शाम को पी पा के वो सबके राज खोल देते थे। और हम लोगों में स्कूल चलता तो वो बाहर था, बनारस के पास मऊना बंजन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अपना यूपी का बॉर्डर। तो हमने सर से एक ही बात बोली थी, सर कुछ दवा ऐसे दे दो हमको, कि उन्होंने बताया कि एडिक्ट डॉग कभी जब बताया गया था, डॉक्टर साहब बता रहे थे, फिर एडिक्ट डॉग एक ऐसा मतलब ड्रॉप है जो अगर नशेड़ी आदमी को दिया जाए ना तो 2-2.5 महीने के अंदर अंदर वो बंद कर देगा पीना, उसको घृणा हो जाएगी पीने से एकदम, नाम लोगे उसको नबरदस्ती होगी, ये कंडीशन होती है। तो उन्होंने बताया, बोले हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया दवाएं हैं, पता ही ना किसी बीमारी की, तो हमने एक काम करो, मैं आप ज्वाइन तो नहीं करेंगे अभी, हम आप इनको पहले सही करो। ये स्टाफ है हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं, बड़ा शाम के पीते हैं, इनके लिए कोई दवा तो ना हो, अगर ये सही हो गए जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। फिर उन्होंने दवा वगैरह दी, बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, ये दवा लो। उन्होंने लिगोडॉप वगैरह दिया, एडिक डॉग वगैरह दिया, दो प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने चलाए कंटिन्यू, और 1.5 और 2 महीने के अंदर अंदर हम देखे कि वो आदमी बिल्कुल पीना बंद कर दिया, धीरे धीरे शरीर भी उसका बनने लगा, एकदम बढ़िया लगा। फिर हमने देखा यार शाम को जाता नहीं है, और ये सब सारी क्रियाएं चुपके चुपके हम कर रहे थे। लिगोडॉग उसको बुला रहे थे, उसको बता के क्योंकि लिगोडॉग लिखा था, लेकिन एडिक डॉग होता है तो इंग्लिश टीचर था तो पढ़ा लिखा था ना, जान जाएगा कि यार ये तो गड़बड़ वाला है। उसको हम जब भी वो खाना खाता था तो मेस में जो मैडम बनाया करते खाना बनाने आया करती थी, उसको बोल के रखे थे कि जब इनको खाना देना कि ये ड्रॉप डाल देना 10-15 बूंद, और टेंशन मत लेना सब हमारी जिम्मेदारी है, आप डाल के इनको दे देना, दाल में चावल में जो भी खाएं उसी में डाल देना है, इनको बस दे देना, जब ये खाए जब पानी पिए मांगे तो आप यही करके देना इनको बस। मैडम ने वही काम किया, पता चला 1.5-2 महीने के अंदर अंदर उनका पीना बंद, हमको भी अच्छा लगा। फिर हमने एक दिन पूछा, हमको आजकल आप जाते नहीं हो, शाम को जाना है, पता नहीं साला क्या हो गया, एकदम घृणा जैसी होने लगी, मतलब वो आदमी बोल रहा है कि पता नहीं है पहले जैसे घृणा होने लगी सर, हम नहीं मन करता यार पीने का। तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम, अभी हम तो कहीं गए थे जड़ी नहीं पूरी खाने, कहीं झाड़ू कर पा लिए हो गया ये, मैंने उससे बोला, बोला ना यार ऐसे नहीं, पता नहीं अचानक क्या हुआ है, हमको लगता है ये लिगोडा काम कर गया मेरा, ये नहीं बताया कि एडिक डॉग उसको दिया है। हमने कैसा ना, जो फिर महीने भर बाद की स्टार्टिंग थी ना, हमने कैसा ना महीने भर फिर बात पीने लगे तो बाद में तो ये लेगा भी नहीं, तो उसको हमने छुपा के रखा। तो बाद में मैंने बताया तो यार ये चीज तुम्हें दी थी मैंने 1.5-2 महीने, आपने खाया है तो बिल्कुल सही हो, पूरा सच ही हम लोग फिर वो नहीं पिया, आज तक नहीं पिया, कभी थोड़ा बहुत अगर कर ले तो उसको नशेड़ी नहीं बोला जाता जो बगैर उसके ना रहे, शाम को चाहिए चाहिए। लॉकडाउन में देखे साला बंद का हो गया, पता नहीं कहां से मंगवा लेते थे लोग पीने वाले। तो खैर ये बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मैंने 22 नवंबर से 6 अक्टूबर को मैंने दवा ली थी, 1.5-2 महीने बाद चल बढ़िया आया। फिर 22 नवंबर 2019 से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो 22 नवंबर का मतलब होता है कि दिसंबर 8 दिन, वो 8 दिन तो सोचने समझने में लगा कहां करना, किसको ज्वाइन कराना, किसको क्या कराना है, वो लग गया। दिसंबर से मैंने काम करना शुरू किया, जनवरी किया, फरवरी किया, मार्च में ताली और थाली के साथ में कोरोना आ गया था, है ना, कोरोना आया, बढ़िया ताली बजवाई गई और ताली भी बजवाई गई, सबको लॉक कर दिया गया, सब लोग बंद हो जाओ बिल्कुल, कहीं कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोरोना आया था ना, यानी काम बंद। 4-5 महीने हम लोग डिस्टर्ब रहे, फिर इसके बाद मैंने अगस्त से काम करना शुरू किया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी लगभग 11 से 12 महीना मैंने काम किया, लग के काम किया, कोई भी ऐसा महीना नहीं गया मेरा कि एवरेज इनकम मेरी 80 से 90 हजार ना हो। अभी तक कभी कभी बिजनेस है अप एंड डाउन तो होगा ही होगा, क्यों राम जी सर,
बिजनेस है, अप एंड डाउन होता है, कभी कभी लाख के ऊपर भी पारा चढ़ता है, कभी किसी भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां घिसके तो थोड़ा सा मेहनत और कर लो फिर पारा ऊपर चढ़ जाएगा। बस इतना याद रखो, एक साइंस में वो सीसी की जो होती है ना, जब चेकअप कराया जाता है अप एंड डाउन ऐसे चलता है, अगर अप एंड डाउन इस तरीके से चल रहा तो इंसान क्या है, जिंदा जिंदा है, अगर सीधे क्लियर तो गया काम से। तो बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन चलेगा, अप एंड डाउन है तो आप जिंदा हो, आपका काम चलेगा। अगर आपका लगता है कि इस महीने 10,000 का चेक आया है, अगले महीने 20,000 आया है, तीसरे महीने में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये रूल है बिजनेस का, याद रखो। कभी भी बिजनेस सामान नहीं चलता, वो नौकरी होती है सीधे बराबर चलती है, लेकिन बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन में रहता है, और अप एंड डाउन जिसका बिजनेस चल रहा है तो बस इतना याद रखो कि आप मस्त हो। हाँ, क्योंकि पारा कभी बढ़ता भी है, कभी पता चलेगा कि एक ही बार में 1 करोड़ घुस गया, एक एक हफ्ते में 1-1 करोड़ भी आता है, तो इन सारी चीजों में हमें बिलीव करना। जो भी चीज यहाँ पे बताई गई वो सब कुछ हकीकत है। मात्र साल भर हमने काम किया है, अचीवमेंट के रूम में मैंने यहां से 15 से 16 लाख रुपए की अर्निंग ली है, अगर रिटेल रिटेल सब जोड़ देते हैं तो 20 लाख के ऊपर है, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा तगड़ा अचीवमेंट के रूम में हमारे पास क्रेटा कार भी है, जो कि हमारी मतलब फेवरेट कार थी क्रेटा, वो मैंने भाई हार्ड कैश ली थी क्योंकि गाड़ी फरवरी में मिल नहीं पा रही थी, 6 महीना बुकिंग में थी, 6 महीने बाद मिल पाएगी, भाई साहब वेटिंग में चल रही है। तो जालौन से एक लोग थे जिनके नाम पे ये गाड़ी बुकिंग में थी, सिविल खराब होने की वजह से उनका फाइनेंस नहीं हो पाया, तब तक मैं वहीं पे बैठा था, ये सारी कहानी मैं सुन रहा था। मैंने बोला यार नहीं, गाड़ी तो यार बहुत बढ़िया चमचमा रही थी, ब्लैक कलर की थी, बढ़िया लगी, और मैं पहले से पसंद करता था, नहीं वेन्यू से चलता आज, वेन्यू पहले मैंने बुक करके रखी थी, फिर पता चला ये गाड़ी यार आई है, इसका फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस करा रहा था उसके नाम पे नहीं हो पा रही, तुरंत इमीडिएटली ये हुआ कि यार इसको गाड़ी को लेना, तो बोला सर कैश से ले सकते हो तो आपको मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो 14 लाख की वो कार है, 14 लाख रुपए एक साथ जमा करना बड़ा अमाउंट था हमारे लिए, लेकिन कहते नहीं कि जब टीम वर्क होता है ना तो फिर वहां ये सब सारी चीजें मायने नहीं रखती। एक बार बिजनेस करो ना आप अच्छे तरीके से, लोग तो आपको उस जगह पे लेके चले जाएंगे ना जो आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, और पता ही नहीं चला रात को 11 बजे हम लोग क्रेडा लेके आ गए, रात को 11 बजे हम लोग क्रेडा लेके आ गए थे। और सबसे बड़ी चीज ये मेरा अचीवमेंट के रूप में, यार पैसा अच्छा खासा मैं कमाता हूँ, हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। दूसरी चीज यहाँ पे